आप में से बहुत से लोगों को किताबें पढ़ना पसंद होगा जो अलग अलग टॉपिक्स पर लिखी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे पढ़ने वाला व्यक्ति अगली सुबह उठता ही नहीं है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और श्रापित किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे बुक लवर्स और लेखक भी दूरी बनाकर रहते हैं। शैतानों की डिक्शनरी। अगर आपने हॉलीवुड की हॉरर मूवी द नन देखी है तो यकीनन आपने खतरनाक डर का एहसास किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी एक किताब से ली गई है जिसका नाम द लेसर की ऑफ सोलोमन है। ये 5 अलग अलग काले जादू पर आधारित किताबों का एक कलेक्शन है जिसे सबसे पहली बार 17वीं शताब्दी में संकलित किया गया था। उस दौर में ज्यादातर लोग काले जादू पर यकीन करते थे और अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस किताब पर लिखे उपायों को अपनाते थे। हालांकि कोई ये नहीं जानता था कि इस भूतिया किताब को किसने और कब लिखा है, लेकिन इसमें लिखे गए मंत्रों और उपायों के जरिए 72 अलग अलग प्रकार के भूत और प्रेतों का आह्वान किया जा सकता था। उस दौर में लोग अपनी बुद्धि और शक्ति को बढ़ाने के लिए भूत और प्रेतों को अपनी दुनिया में बुलाते थे क्योंकि इस तरह की आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। इसके लिए कई बार लोग बदला लेने के मकसद से भी काली शक्तियों को बुलावा भेजते थे जो किसी इंसान की जान या बलि लेने के बदले काम करते थे। कहा जाता है कि इस किताब की असल कॉपी को कहीं गुप्त तरीके से छुपाया गया है क्योंकि अगर कोई इंसान उस किताब को एक बार खोल लेता है तो उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और किताब पढ़ने वाले व्यक्ति को दिन के उजाले में ही भूत नजर आ जाते हैं। द ग्रैंड ग्रिमोर। ईसाई धर्म के लोगों के लिए गॉस्पेल एक बहुत ही पवित्र किताब है जिसमें प्रभु ईसा मसीह ने लोगों को प्यार और भाईचारे का संदेश दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसाई धर्म में एक बहुत ही खतरनाक और भूतिया किताब भी है जिसे द ग्रैंड ग्रिमोर के नाम से जाना जाता है। इस किताब को सन 1520 में एक व्यक्ति ने लिखा था जिस पर शैतान का साया था और वो शैतानों का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इस किताब में बताया गया है कि शैतानी आत्मा किस तरह धर्म का प्रचार करने वाले पोप या दूसरे व्यक्तियों को अपने कब्जे में कर सकती है ताकि वो उनसे गलत काम करवा सके। इतना ही नहीं, इस किताब में मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करने की भूतिया विधि भी बताई गई है जिसे पुराने जमाने में कई लोगों ने फॉलो भी किया था। द ग्रैंड ग्रिमोर की असल कॉपी को एक तहखाने में छिपा कर रखा गया है क्योंकि अगर ये किताब किसी सामान्य इंसान के हाथ लग गई तो उसकी वजह से भारी तबाही हो सकती है। हालांकि इस किताब की नकली कॉपी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है लेकिन उसमें भूतिया स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी, जबकि असल किताब में मरे हुए लोगों को जिंदा करने से लेकर दूसरे व्यक्ति पर जादू टोना करने तक हर तरह की विधि लिखी गई है जिसे फॉलो करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन की सबसे कीमती चीज शैतान को भेंट के रूप में देनी होती है। हिस्टोरिया डेल हेरफानो। अब एक ऐसी किताब यानी नॉवल के बारे में जान लेते हैं जिसे 17वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था, लेकिन इस किताब को अगले 400 साल तक छापा नहीं जा सका क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति या पब्लिशर इस किताब की छपाई करने जाता था उसके साथ कुछ न कुछ बुरी घटना घट जाती थी। लंबे समय तक अलग अलग पन्नों में बिखरी हुई इस किताब को साल 2016 में स्पेन में रहने वाली एक प्रोफेसर ने छापने का फैसला किया ताकि अध्यात्म में यकीन रखने वाले लोग इसे पढ़ सकें। हालांकि प्रोफेसर इस बात को जानती थी कि अगर वो किताब छप गई तो शायद उनकी जिंदगी का अंत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि अगर किताब छपने के दौरान या उसके बाद उन्हें कुछ हो जाता है तो किताब की सारी कॉपियों को तुरंत जलाकर खत्म कर दिया जाए। साल 2018 में आखिरकार उस किताब को छापा गया, जबकि इस दौरान प्रोफेसर साहिबा को भी कुछ नहीं हुआ था। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उस किताब का श्राप इतने सालों में खत्म हो गया था या फिर उस किताब की वजह से मरने वाले लोगों की मौत प्राकृतिक वजहों से हुई थी। खैर, इन सवालों का जवाब ना तो किताब दे सकती है और ना ही वो प्रोफेसर जिसने इसे छापा है। लेकिन इस किताब में क्या किस्से कहानियां हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस भूतिया किताब को पढ़ सकते हैं। राओस्किना। इस किताब को आइसलैंड में रहने वाले एक पादरी गॉटस्कॉक ग्रिमी निकोलासन ने लिखा था जिसे द बुक ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है। पादरी ने इस किताब में ऐसे मंत्र और विधियां लिखी हैं जिनकी मदद से शैतानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूत और प्रेतों को बुलाया जा सकता है। इसके अलावा ये किताब काला जादू सीखने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होती है जिससे वो तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं। पादरी चाहता था कि इस किताब के जरिए वो शैतान को अपने वश में कर सके ताकि पूरी दुनिया में उसका राज स्थापित हो।
लेकिन उसकी ये मंशा पूरी हो पाती इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद उसकी बॉडी और भूतिया किताब को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। लेकिन पादरी की मृत्यु के 200 साल बाद एक जादूगर को इस काले जादू वाली किताब को खोजने की इच्छा हुई, क्योंकि वो भी किताब के जरिए पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। जादूगर उस पादरी की कब्र खोजने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद उसके सामने पादरी की आत्मा प्रकट हुई और उसने जादूगर को किताब सौंप दी। लेकिन इस दौरान कब्रिस्तान में खड़े एक लड़के ने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया और उसने तुरंत चर्च का घंटा बजा दिया, जिसकी वजह से पादरी की आत्मा गायब हो गई और जादूगर उस किताब को लेकर समुद्र के रास्ते वापस भागने लगा। लेकिन इस दौरान उसकी नाव लहरों के बीच फंस गई और जादूगर भूतिया किताब के साथ पानी में डूब गया, जिसके बाद उस किताब का अब तक कोई नामो निशान नहीं मिला है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो किताब कभी भी जादूगर के हाथ नहीं लगी थी और उसे समय रहते जला दिया गया था, क्योंकि अगर वो किताब सच में अस्तित्व में होती तो अब तक किसी मछुआरे या व्यापारी के हाथ लग चुकी होती। कोडेक्स गिगास ये दुनिया की सबसे लंबी और भारी भरकम किताब है, जिसे द डेविल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर है, जबकि इसका वजन 75 किलोग्राम से भी ज्यादा है। वर्तमान समय में ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में रखी गई है, जहां आम लोग दुनिया की सबसे बड़ी किताब को अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि इस किताब की कहानी की शुरुआत 13वीं शताब्दी के दौरान हुई थी, जब एक पादरी को जुर्म करने का दोषी पाया गया था और उसे सजा के तौर पर दीवार में जिंदा दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान पादरी जोर जोर से माफी मांगने लगा, जिसके बाद मठ के अधिकारियों ने पादरी को एक रात के अंदर एक किताब लिखने की चुनौती दी थी। हर कोई जानता था कि पादरी एक रात में किताब नहीं लिख पाएगा, लेकिन पादरी ने आश्चर्यजनक तरीके से एक ही रात में इतनी मोटी और भारी भरकम किताब लिखकर सबको चौंका दिया था। कहा जाता है कि उस पादरी ने शैतान से मदद मांगी थी, जिसने किताब लिखने में उसकी मदद की थी, और इसलिए उस किताब में शैतान और काले जादू से जुड़ी जानकारी को विस्तार से बताया गया है। इस किताब से जुड़ी कहानी को लेकर कई लोग तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन तथ्यों से पता चलता है कि किताब के हर पन्ने की हैंडराइटिंग सेम है और उसे इंसानी हाथों से ही लिखा गया है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के दौरान लाइब्रेरी में भयानक आग लगी थी, जिसमें कई पुरानी और अहम किताबें जलकर राख हो गई थी, लेकिन ये भूतिया किताब उस आग से बचने में कामयाब हो गई, जबकि इसका वजन और आकार इतना बड़ा है कि किसी सामान्य इंसान को इस किताब को उठाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ये हो सकता है कि इस भूतिया किताब ने अपनी जान खुद बचाई हो? और अगर हाँ, तो ये किताब अब लाइब्रेरी में शांति से कैसे है? कहा जाता है कि इस किताब का हर एक पन्ना गधे और घोड़े जैसे जानवरों की चमड़ी से बना हुआ है, इसलिए ये इतने सालों से नष्ट नहीं हुई है और अपने असल रूप में है। हालांकि इस किताब के आखिरी के 12 पन्ने फटे हुए हैं, यानी वो किताब से गायब हो चुके हैं। ये कह पाना मुश्किल है कि उन पन्नों में क्या लिखा था और उसके तार लेखक से जुड़े हैं या नहीं। द बुक ऑफ सोग्या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ वन के सलाहकार जॉन डी को द बुक ऑफ सोग्या नाम की एक किताब मिली थी, जिसने जॉन की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये एक लैटिन भाषा में लिखी हुई किताब थी, जिसमें काले जादू और मंत्रों के बारे में लिखा गया था। उस वक्त ज्यादातर लोग काले जादू और भूत प्रेत में यकीन करते थे, जिसे समझकर जॉन भी शक्तिशाली बनना चाहते थे। लेकिन उस किताब के आखिरी 36 पन्ने किसी पहेली से कम नहीं थे, क्योंकि उनमें कोड भाषा का इस्तेमाल करके मंत्र लिखे गए थे। जॉन डी ने उन कोड्स को सुलझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके बाद जॉन ने ईश्वर के फरिश्तों का आह्वान करते हुए उनसे मदद मांगी, लेकिन फरिश्ते ने जॉन को आगाह किया कि वो किताब श्रापित है और अगर वो उन कोड्स को सुलझाने में मदद करेंगे तो जॉन की मौत हो जाएगी। लेकिन जॉन ने फरिश्ते की बात नहीं मानी और कोड्स को सुलझाने की कोशिश करते रहे, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा था और आखिरकार एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। जॉन की मृत्यु के बाद वो किताब रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, जो लगभग 400 साल बाद एक इतिहासकार के हाथ लगी थी। उस इतिहासकार ने भी किताब के कोड्स को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी और इस तरह पूरे 12 साल का वक्त गुजर गया, जिसके बाद साल 2006 में जिम नाम के व्यक्ति ने उन कोड्स को सुलझा लिया था। हालांकि कोड्स सुलझाने के बाद जिम को कुछ नहीं हुआ और कहा जाता है कि ये किताब उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है जो इसके असल मतलब को नहीं समझ पाता है। ये संभव है कि जिम ने किताब के कोड्स को सुलझा लिया हो, लेकिन उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की होगी और इस वजह से वो जिंदा बचने में कामयाब हो गए।
हालांकि वर्तमान समय में ये किताब कहाँ है और इसके कोड्स को कोई दूसरा व्यक्ति सुलझा पाया है या नहीं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और वैसे इस भूतिया किताब से दूर रहने में ही इंसानों की भलाई है। तो ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक और शापित किताबें, जिनसे जुड़े किस्से और कहानियाँ वाकई डरा देने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।